सत श्री अकाल दोस्तों, कैनेडियन इमीग्रेशन न्यूज तुहाडा स्वागत है। लगातार कैनेडियन इमीग्रेशन दी अपडेट्स लैण वास्ते इस चैनल नूं सबसक्राइब करो, वध तों वध शेयर करो, सोदा तुहानूं रैगुलर अपडेट्स मिल सकन। अज दी वड्डी खबर इस पैंडेमिक नूं लैके आ, इस पैंडेमिक दे वैक्सीन नूं लैके आ। ते कैनेडा सरकार ने की अनाउंस कीता इस पैंडेमिक दी वैक्सीन दे उत्ते, ओहदे बारे गल करांगे। सो वड्डी खबर कि पब्लिक हैल्थ एजेंसी ऑफ कैनेडा ने अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस विच अनाउंस कीता आ कि जिहड़ी कोरोना वायरस वैक्सीन आ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਸਟੈਟਸ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਟਸ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ सरकार तुहानू वैक्सीन प्रोवाइड करावेगी। यह वड्डी खबर आ कि इस दे विच कोई भी स्टैटस मैटर नहीं करता, वैदर यू आर कैनेडियन सिटीजन और अ टैंपरेरी रेजिडेंट, भावें तुसीं कैनेडियन सिटीजन हो जां टैंपरेरी रेजिडेंट हो, यह मैटर नहीं करेगा। अगर तुहानू वैक्सीन की लोड़ आ ते तुहाडा स्टैटस पुछे बिना जां तुहाडे स्टैटस की इनफॉर्मेशन लिते बिना कैनेडा की सरकार तुहानू वैक्सीन प्रोवाइड करावेगी। सो इस दे विच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होवेगी कि तुहाडा स्टैटस की आ। हरेक बंदे दी हेल्थ नू प्रोटेक्ट करना कैनेडा सरकार दी जिम्मेवारी है। कोरोना वायरस नू देखदे हुए जिहड़ी वैक्सीन आई आ उस दे उत्ते सरकार दा पब्लिक हेल्थ एजेंसी दा वड्डा बयान कि इस दे उत्ते वैक्सीन जदों दित्ती जाएगी इस बिल्कुल यह नहीं देखा जाएगा कि उस बंदे दा रेजिडेंशियल स्टेटस की आ, कि वह परमानेंट रेजिडेंट आ, सिटीजन आ, जां टैंपरेरी वर्कर आ, जां स्टूडेंट आ। हरेक बंदे नू जिहनू इस वैक्सीन दी लोड़ हुई ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸੂਰਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।